आज हम बनाते हैं बिना तेल का आम का सूखा अचार। सबसे पहले कच्ची कैरी को पानी में अच्छे से धो के और टॉवल पे सुखा लें। हमने दो मीडियम साइज़ की कैरी ली हैं। थोड़ा सा पोंछ के इसको बर्तन में डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख देंगे करीब एक दिन के लिए, जिससे कि इसमें से इसका पानी निकल जाए। एक दिन के बाद इसको छलनी में लेके और किसी फ्लैट बर्तन में जैसे थाली या परात में धूप में सूखने के लिए एक दिन के लिए रख देंगे। जो अचार में नीचे नमक का पानी बचा था उसको भी हम काम में लेंगे। उसको आप किसी जार में ट्रांसफ़र करके उसमें थोड़ा सा मेथी दाना भिगो दीजिए और उसको ढक के फ्रिज में रख दीजिए। कैरी सूख जाए तो उसमें सिर्फ अचार के मसाले मिक्स करने रहेंगे। जो हमने मेथी दाना पानी में डाला था उसी में ही थोड़ा सा अचार का रेडी मसाला डालिए और साथ में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक भी डाल दीजिए। क्योंकि ये अचार बिल्कुल बिना तेल के और सूखा बनेगा, इसलिए ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत सही है। मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स करके हमारी सूखी हुई कैरी में डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि कैरी इन मसालों से पूरी तरह से कोट हो जाए। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे, जिससे कि ये अचार ख़राब नहीं हो और प्रिजर्व हो जाए। दो तीन दिन बाद ही हमारा बिना तेल का सूखा आम का अचार तैयार है खाने के लिए। इसे इंजॉय कीजिए कहीं भी कभी भी।